हाय वेलकम, दिस इज दीपक। तो आज की वीडियो ये है कि फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं एंड तुम एक महीने बाद कैंपस आने वाले हो। और सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको NIT IIT मिल गई है एंड जिनको NIT JEE मिली है उनका दिल से स्वागत है एंड वेलकम है आप सभी का। आप बहुत जल्द आने वाले हो, मे बी नवंबर स्टार्ट में शायद आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी फिजिकल रिपोर्टिंग। सो इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या क्या मैंने सबमिट किए थे और क्या वो सारी चीज़ें गलतियाँ होती हैं जो हम लोग कर देते हैं, बट वो आप मत करना जो मैंने की थी। मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलतियाँ करो। सो वीडियो स्टिल लास्ट तक देखना, कुछ चीज़ें मैं बीच में बताऊँगा, कुछ चीज़ें तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना ताकि आपकी एक हेल्प हो सके और वो तुम चीज़ें डाल में, यानी कि आज वीडियो देख के जाते हो उसके बाद तुम कमेंट करते हो, वीडियो पूरी देखना। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती या फिर तुम्हें कोई चीज़ कंफ्यूज करती है या तुम्हें नहीं समझ आती तो तुम कमेंट कर सकते हो एंड मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगा। एंड उसके बाद हम सारे बहुत सारे तुमने उस पहली वीडियो में जो मैंने शायद 5-6 महीने पहले बनाई थी उसके ऊपर तुम सबके कमेंट है तो उसको मैं उसका आंसर दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में। सो लास्ट तक देखना एंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो हाय, तो ये देखो ये है मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। होता देखो कैसे है कि जब तुम्हें कॉलेज कोई भी कॉलेज NIT IIT मिल जाएगी उसके बाद ना तुम्हें सॉफ्ट कॉपी वहाँ पर सबमिट करनी होती है, उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उसके बाद तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है। मैं भी तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती थी क्योंकि जिस टाइम पे हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी ना उस टाइम पे हम ऑनलाइन थे एंड हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन की थी एंड बहुत से स्टूडेंट्स ने फिजिकल रिपोर्टिंग करवाई थी और बहुत से उसने स्पीड बोर्ड से सबमिट कर दी थी। बट नाउ द डे आई थिंक शायद तुम्हारा ऑफलाइन होगा तो तुम कैंपस आके रिपोर्टिंग करोगे। सो सबसे पहले देखो ये मेरा है तो मैं इसको बताऊँगा कौन कौन से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो ये देखो इसके वैसे तुम जब तुम्हारा एडमिशन कर वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वो तुम्हें ये चीज़ डाउनलोड तुम यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी कर सकते हो एंड इसके नीचे तुम्हें ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, लिस्ट दिए होंगे। फिर भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ ताकि तुम प्रिपेयर कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स को। सो फर्स्ट चीज़ होता है कि दो फोटोज़ लगेंगी एंड वो एडमिशन लाइसेंस जो तुम्हें CSAP या JOSA से सीट मिली थी उसका एक प्रिंट निकलवा लेना जो फाइनल वाला होता है एंड JEE मेंस का एडमिट कार्ड लगेगा और एडमिट कार्ड उसको JEE मेंस का स्कोर कार्ड लगेगा एंड एज प्रूफ के लिए तुम 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो एंड डिटेल मार्कशीट 12th का मार्कशीट है एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट देखो वैलिड होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो थोड़ा रिन्यू बनवा लेना, अगर तुमने JOSA में वो सबमिट किया तो वो ठीक है। एंड उसके बाद आता है प्रूफ और पार्शियल एडमिशन फीस पेमेंट जो आपने जब तुम्हें सीट मिली थी तुमने पेमेंट की थी उसकी एक सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी निकलवा लेना एंड माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखो माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम फिजिकल रिपोर्टिंग करवा रहे हो क्योंकि इसके बिना ना तुम्हारी मे भी तुम्हें सीट कैंसिल तक का जा सकता है ऑप्शन, ठीक है। सो इसको प्रिपेयर कर लेना, अगर जिसके पास भी माइग्रेशन नहीं है वो तुम अपने बोर्ड से इशू करवा सकते हो, ऑनलाइन हो जाती है एंड आपको शायद कुरियर हो जाएगी। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल लेते हैं, ठीक। एंड करेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है तुम्हें स्कूल से मिल जाएंगे एंड मेडिकल सर्टिफिकेट वो JOSA का फॉर्मेट है बस उसको निकला लेना और किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाके तुम इसका वो सारा जो वेरिफिकेशन होता है तुम्हारा जो चेकअप वगैरह होगा वो कर देंगे एंड तुम्हें बना के दे देंगे, वो ईजी है। एंड आधार कार्ड लगेगा एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट लगेगा, वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों का होगा तो तुम नोटरी करवा लेना उसका, इंपॉर्टेंट है। एंड गैप सर्टिफिकेट भी नोटिस बनता है तुम्हें, क्या कोर्ट से बन जाएगा, ठीक है, इजीली बन जाएगा। एंड ये सारी देखो 15 डॉक्यूमेंट्स है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम इसका फॉर्मेट देख सकते हो एक बार एंड JOSA का जो मेडिकल सर्टिफिकेट उसका फॉर्मेट दे दूंगा। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना, अगर तुमने कर रखे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर रहे तो अभी से कर लो क्योंकि एट द टाइम ना तुम्हें वो अगर एक भी चीज़ की प्रॉब्लम आ गई ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम्हें इधर उधर मतलब घूमना पड़ेगा ये है वो, तो तुम पहले से भी प्रिपेयर कर लो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल लास्ट में मिला था, मेरे पास 4 मेल आए थे जब हमारी क्लास स्टार्ट की थी, तुम्हारा अगर लास्ट हमें ऑप्शन दिया था कि अगर तुम माइग्रेशन सर्टिफिकेट टिल इतने डेट तक नहीं करते हो तो तुम्हारी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये चीज़ मत करना। माइग्रेशन और जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है ना इसका फॉर्मेट देख लेना, सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल ही लेंगे, ठीक है। और बाकी जिनकी तुम हार्ड कॉपी दे रहे हो या किसी का प्रिंट आउट दे रहे हो तो वो उसका क्या होगा कि सेल्फ असिस्टेड होगा, मतलब कि तुम उनमें से मिलते गलत हो। एंड अब लास्ट में है कि हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में, जो आप सबके कमेंट थे तो उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या कमेंट थे, शायद वो चीज़ आपको हेल्प करे तो वो मुझे जेन्युइन लगा तो उस मैं इस वीडियो के अंदर लाऊंगा, उसको टैग करूंगा एंड उसका आंसर दूंगा। सो वॉच। सो जो इनका जो पहला कमेंट है
और क्या कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग जोसा के बाद होगी या सिसर के बाद? तो देखो जोसा और सिसर के बाद ही होती है फिजिकल रिपोर्टिंग, हमारे साथ तो ऐसा हुआ था। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद घर आ सकते हैं। देखो फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं भी नहीं जा सकते हो। एक लिखा पार्शियल ड्रॉपर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पार्शियल ड्रॉपर्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जगह ट्रांसफर सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, दोनों में से अगर कोई है तो कर सकते हो। दूसरा कमेंट है कि ब्रो किस कंडीशन में एडमिशन कैंसिल हो सकती है फिजिकल रिपोर्टिंग में? अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो, अगर तुमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो मे भी कैंसिल हो सकते हैं। टाइम पीरियड देता है कि तुम इतने टाइम तक कर सकते हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। एंड एक ने लिखा है 14 नंबर वाला, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। देखिए 14 नंबर वाला जो क्या है कि अगर तुम्हारा हिंदी में अगर किसी में वो है, जैसे कि मान लो आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड में नेम आपका हिंदी में लिखा है तो वो ठीक है, एक प्लेन पेपर में अपना हिंदी में सिग्नेचर करके एंड उस आधार कार्ड की एक हार्ड कॉपी उसके साथ अटैच करके वो सबमिट कर देना। ये है 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये मतलब 14 नंबर में जो था। और दूसरा क्वेश्चन है ब्रो डुप्लीकेट TC और CC चलेगा क्या? भाई वो ओरिजिनल देंगे, ठीक है, तुम्हारा डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही ये डिजी लॉकर का एक्सेप्ट करते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो नहीं है? भाई माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट में दोनों में से एक है तो एक चलेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दोनों में से एक होना चाहिए। एंड आई थिंक इतने कमेंट थे, हाँ इतने कमेंट थे, मे भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कमेंट करना कमेंट के नीचे से, मे भी बहुत स्टूडेंट्स का डाउट होता है तो उस तुम्हारे कमेंट से किसी और का डाउट सोल्व हो सकता है, तो ट्राई करना कमेंट करने की। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो तुम मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फिर भी अगर इसमें से कोई भी डाउट लगे तुम कमेंट कर देना जस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वो बस लाइक करना। एंड लास्ट थिंग वही है कि प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब कर देना, इन फ्यूचर हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे एंड वो सारी चीज़ें देंगे जो हम एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत जल्दी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं कि जिनका भी प्लेसमेंट हो गया, जो भी फोर्थ ईयर में है, तो उनके साथ हम लोग कुछ पॉडकास्ट वगैरह शूट करेंगे एंड उनके बारे में जर्नी जानेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पे लाऊंगा। एंड यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू जो भी मेरे NIT में आ रहे हैं।